अस्सलाम वालेकुम। आज थर्सडे है और इस वक्त बज रहे हैं 1:15 और अभी मैं पका रही हूँ खाना। भी मैंने रखा हुआ आलू गोश्त और विद राइस, वाइट राइस मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट हैं। और इस वक्त बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, जमीन यमी वेदर हो गया। कराची वाले तो तरसते हैं बारिश को, इस वक्त सियालकोट में बहुत बारिश हो रही है। अभी मैं ग्रॉसरी रखी हुई, मेरा एक पौधा ये भी ख़राब हो गया हुआ, इसकी टहनी। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ और देखती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि माली आएगा तो उसे बोलूँगी कि इसके काट के इसमें धनिया मैंने लगाना है। चले अब अंदर चलते हैं, मैं ग्रॉसरी दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेके आई हूँ। जी ये है मैंने लगाई दुकान आप लोगों को दिखाने के लिए। मैम ये जो ईटेबल्स चीज़ें हैं, ईटेबल्स सही बोल रही हूँ मैं, वो मैं पहले दिखाऊंगी आपको जो मैं कल लेकर आई हूँ। मैंने ये सिटी मार्ट से किया है, जो सिटी हाउसिंग का मार्ट है, बहुत एक्सपेंसिव। ये भी चीज़ें मैं दिखाऊंगी ना आपको, मैं सब बताऊँगी कि लेकिन कुछ चीज़ों के मामले में मुझे लगता है कि काफ़ी 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 ज़्यादा महंगे हैं ये। हैं ये मैं लाई हूँ शान की दो सवैयों के पैकेट। अक्सर मेरे हस्बैंड को मीठी सवैयाँ पसंद हैं, कभी चाय सवैयों में भी डाल देते हैं। ये जो मैं नाश्ते की चीज़ें ज़्यादा बागरहानी के, मैं दो पैकेट लाई हूँ। ये इसमें दो होती हैं और दो वो चार हो जाएंगी। और क्योंकि बाजी भी हैं तो वो भी अक्सर ना रस ही ज़्यादातर लेती हैं, ब्रेड लेती हैं, ब्रेड पड़ी भी थी अभी मैं नहीं लेकर आई। ये अनायत का नाइट की इधर मार्ट के अंदर ही छोटी सी उन्होंने अपनी एक शॉप कैबन ही है, उसमें काफ़ी कुछ उनका मिल जाता है, मिठाई बेकरी और उसके अलावा फ़ास्ट फूड वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो ये दो रस के पैकेट भी मैं ले आई हूँ। इसके अलावा मैं केक रस लेकर आई हूँ हाफ के जी का, हाँ जी हाफ के जी का, वो मैंने जार्स में डाल दिया, मेरे हस्बैंड नाश्ते में बहुत शौक से खाते हैं। और इसके अलावा ये बिस्किट, लेमन बिस्किट, ये मनाल नीमा भी खाती हैं और मेरे मियाँ भी शौक से खाते हैं। ये भी पीनट मुझे चाय में ज़्यादातर ना, अगर मैं चाय शाम की लूँ तो मैं तो खाती हूँ ग्लूको बिस्किट, मुझे वो बहुत पसंद है। उसके अलावा खाना हो तो मैं ये ले लेती हूँ पीनट, लेकिन ज़्यादातर मैं ग्लूको के बगैर, वो भी दो मैक्सिमम दो या तीन, मुझे वो बहुत पसंद है। वो इधर से मिलते नहीं हैं तो अम्मी जब भी जाती हैं ना तो वो मेरे लिए दो जो उनसे है ना वो ले आती हैं, ये रोल पैक ले आती हैं। तो वो पड़े हुए हैं, वो थे, एक ख़त्म हो गया था और अभी एक पड़ा हुआ है। अम्मी मैं खाया तो नहीं, मैंने बच्चे वगैरह आए हैं बीच में, फ्रेंड्स के बच्चे आए हैं और बच्चों को तो वैसे भी बहुत फेवरेट है वो। तो ये भी मैं एक लेकर आई हूँ, एक नहीं ये मैं दो लेकर आई हूँ, पहले भी पड़े हुए हैं, कुछ दिन पहले भी मैं काफ़ी कुछ चीज़ें लेकर आई थी। ये मनाल नीमा भी खाती हैं चोको, तो मैं इसको चॉकलेट चिप समझती रही हूँ। ये मनाल नीमा भी बहुत शौक से खाती हैं। और ये जो मैं स्वीट डिश बनाऊँ उसमें भी मैं यूज़ करती हूँ। रूह अफ्सा की छोटी बॉटल मिली, बड़ी नहीं मिली, मैं तो बिल्कुल रूह अफ्सा पीती नहीं हूँ, मैं टैंग और वो भी बहुत करता। ये मैं छोटी बॉटल ही लेकर आती हूँ इसकी, चिली सॉस की, ये मेरा खत्म हो गया था, सोया सॉस सिरका भी सब कुछ पड़ा हुआ था। ये मैं एक लेकर आई हूँ फ्रूट कॉकटेल, एक मेरा फ्रिज में ऑलरेडी था। और मैं कुछ भूल रही हूँ, मुझे कुछ याद आ रहा है, चलिए मैं अभी देखती हूँ। क्रीम के पैकेट नहीं मुझे नज़र आ रहे, मैं नेस्ले क्रीम्स के पैकेट भी लेकर आई थी, देखती हूँ वो। हाँ एक फ्रिज में पड़ा हुआ था ये और एक ये। वैसे तो ये खाती तो नहीं हूँ मैं अब, ये मैं खाते नहीं हम लोग। पाइनएप्पल हम लोग वैसे ले लेते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी। तो वो पाइनएप्पल मिला नहीं इधर से, तो मैं छोटे पैकेट लेकर आती हूँ, टिन लेकर आती हूँ। बड़ा टिन था, बहुत बड़ा टिन था वो, तो फिर एक दफ़ा यूज़ करो दूसरे दिन, टिन वाली चीज़ तो ज़्यादा दिन यूज़ भी नहीं करनी चाहिए। ये मैं इसलिए लेकर आती हूँ अगर सडन कोई मेहमान आना हो तो क्रीम हो घर में, आपके पास चॉकलेट सिरप हो और ये बिस्किट्स हों तो आपकी स्वीट डिश 5 मिनट में बन जाती है। दो ये शान के आयोडाइज नमक के पैकेट, मैं इतने दिन से कह रही थी मेरा नमक ख़त्म हो गया, लेकिन मैं नमक निकाल के एक बॉटल में डाल देती हूँ। तो अब जब मैं सुबह अपनी वो कैबिन देख रही थी जिसमें मैं ग्रॉसरी वगैरह रख देती हूँ, तो उसमें ऑलरेडी दो पैकेट पड़े हुए थे। दो ही सुपर के पैकेट, ये भी मेरे हस्बैंड के लिए, एक ये स्पेगेटीज और मैक्रोनी के, मैं एक एक ही लाती हूँ। उसके अलावा ये पीनट्स के पैकेट और ये वो। अच्छा उसके अलावा मैं, हाँ ये नेस्ले की दो क्रीम के पैकेट भी लेकर आई हूँ।
ये थी मेरी ऑयल, मैंने रिफाइन कॉर्न ऑयल इधर से मिलता नहीं है, तो वो मैं कुछ दिन पहले, तो 2-3 दिन पहले वो मैंने मंगवा लिया था, वो हाथमी स्टोर से मैं ले आई थी, क्योंकि इधर से रिफाइन कॉर्न ऑयल नहीं मिलता। ऑलिव ऑयल भी मैं यूज़ करती थी, लेकिन रिफाइन कॉर्न ऑयल अब मैं काफ़ी दिनों से वो यूज़ कर रही हूँ। अब ये कुछ वाशरूम की चीज़ें और किचन की, ये मैं 4 लेकर आई हूँ। मैं वैसे ज़्यादातर बड़ा वाला जो उसका जार है वो लेकर आती हूँ, लेकिन वो नहीं था। अब कुछ दिन पहले भी मैं 2 लेकर आई थी, तो अभी मैं वही 4 ले आई हूँ, तब भी छोटा ही था, तो मैं फिर 2 ले आई थी, तब मेरा ख़त्म होने वाला था। सोप जोन से आजकल शॉवर के लिए तो हम लोग डिटॉल यूज़ कर रहे हैं, तो हैंड वॉश भी रखा हुआ है वाशरूम में। कुछ ये मैं वैसे ले आई हूँ, अभी मेरा पियर्स भी पड़ा हुआ था। एक्चुअली मेरे इधर हर चीज़ नहीं अवेलेबल, कुछ चीज़ें होती हैं कुछ नहीं होती, तो पॉमोलिव लिया और मैंने कैप्री लिया है। कैप्री में सिर्फ ये तीनों कलर्स थे, और इसके अलावा वो एम्पीरियल लेदर था वो मुझे नहीं अच्छा लगता, बहुत हार्ड है वो। एक सेंसोडाइन लेकर आई हूँ, हम लोग यूज़ करते हैं, अभी एक मैंने नई लगाई और एक ही मैं ले आई हूँ। बस मैं हमेशा 2 या 3 लेकर आती हूँ, यानी कि मैक्सिमम मैं 2 लेकर आती हूँ, तो अभी एक मैंने नई लगाई थी, मैं चलो फिलहाल ये लेकर आती हूँ। ये भी मेरे हस्बैंड के लिए हेड एंड शोल्डर को यूज़ करते हैं, मैं नहीं, मैं करती हूँ सनसिल्क, काफ़ी अरसे से सनसिल्क और लॉरियल। अब मैं ट्रेस्मी का लेकर आई हूँ, वो फिलहाल मैंने यूज़ नहीं किया, वो इम्तियाज़ स्टोर से ही मैं लेकर आई थी, तो अभी तक मेरा यूज़ नहीं हो पाया, क्योंकि वो सनसिल्क काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पड़े हुए थे। 2-3 मैं बॉटल्स ले आती हूँ, और कंडीशनर भी मैंने डेली यूज़ करना है, और शैम्पू भी डेली, वो भी मैं काफ़ी ज़्यादा ले आई थी, तो अभी खत्म नहीं हुआ मेरा, तो यूज़ नहीं किया। हाँ, फेस वॉश में ये भी मैं इस समर में यही यूज़ किया है, इसमें डिफरेंट कलर ग्रीन ब्लू और हाँ 2 कलर, ये मैंने, मुझे बहुत सूट किया ये। मेरी ऑयली स्किन है तो मैं जेल वाला यूज़ कर सकती हूँ, मैं क्रीम वाला बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकती, और ये आस पास के चंक्स हों ये मुझे बहुत सूट करता है। इसकी प्राइस में हमें 780 है, और ये 2 इधर बॉडी स्प्रेस भी इतनी वराइटीज़ नहीं है, तो ये 2 फॉग मैंने लिए हैं, अच्छे हैं, इसकी स्मेल रिफ्रेशिंग थी। एक मैंने ये लिया और एक मैंने ये वाला, दोनों लिए। और ये भी मैंने एक डिटॉल की ली है, ये भी मैं कुछ दिन पहले लेकर आई थी, कोई मैक्सिमम 15 डेज मेरा ये यूज़ हो जाता है। और ये हार्पिक वाशरूम के लिए, तो ये डबल था, तो ये लिया है। हाँ, उसके अलावा मैंने एक और चीज़ ली सबसे अच्छी, ये 2 मैंने लिए, लेकिन उन्होंने जब पैकिंग की है तो एक मेरा रखना भूल गया है, कि तो अल्लाह जल्ला जलाल, एक सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी लिखा हुआ था, बहुत प्यारा ना ये स्टैंड बना हुआ है इसके साथ, ये मैंने 2 ना लिए हैं। अब वो एक नहीं उन्होंने रखा, तो मैंने अब निदा को बोला कि वो जब भी गुजरेगी मार्ट से, उनके उनके घर के अम्मी के घर के पास आ जाता, तो फिर वो मेरा एक ले लेगी, क्योंकि मुझे ये सेल ना हो जाए कहीं। अब मेरी जो चीज़ें रह गई हैं उसमें मेरी दालें हैं, दालें तकरीबन मेरी ख़त्म है, सिवाय माश की दाल पड़ी हुई है, वो मैं लाइव से मंगवाऊँगी देसी दालें, क्योंकि स्टोर्स में नहीं अच्छी, इधर नहीं अच्छी मिलती वो। मुझे बेसन नहीं मिला, तो बेसन फिर मुझे अम्मी ने, सॉरी बेसन फिर अम्मी ने मुझे कल दिया, क्योंकि वो आज पहले मूड हो रहा था कढ़ी बनाने का, बेसन ख़त्म हुआ हुआ था स्टोर में, उधर कढ़ी बनाने का था मूड, फिर मैंने आलू गोश्त और वाइट राइस की, क्योंकि कल खाई लीम तो आज कढ़ी का नहीं था, तो मेरी भाभियों को कढ़ी बहुत पसंद है मेरे हाथ की, तो वो कह रही थी कि बाजी कढ़ी बना के हमें भेजे ना, कल अम्मी ने मुझे दही भी भेजा और साथ बेसन भी भेजा कि हमें कढ़ी बना के भेजो, तो बेसन मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। ये सब चीज़ें रमज़ान के बाद बेसन मैंने मंगवाया, वो सब ख़त्म, मैदा, बेसन, चने की दाल, वाइट चने, वाइट चने मैं आधे बॉयल करके रख देती हूँ और आधे मैं कच्चे रख देती हूँ, बॉयल्ड इसलिए कभी दही भल्ले वगैरह बनाने हो तो आपको ईजीली फ्रिज में होते हैं वो, और बाकी दालें वगैरह सब मेरी आने वाली हैं। और उसके अलावा बेसन और दालें, केचप सॉस वगैरह भी थी तो मैंने वो फिर नहीं ली, क्योंकि मैं फिर उनको फ्रिज में रखती हूँ, फ्रिज में इतनी स्पेस थी, एक फ्रिज मेरी ऊपर है एक मेरी नीचे है, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें इस तरह की फ्रिज में रखती हूँ। और क्या रह गया मेरा, ऑयल मैंने मंगवा लिया था, हाँ एक मैं भूली हूँ, अभी सर्फ का एक्सेल का मेरा बिग साइज़ पड़ा हुआ है, वो भी हाफ भी यूज़ नहीं हुआ, लेकिन मैं चीज़ ख़त्म होने से पहले ले आती हूँ। चाय की पत्ती भी मैंने पैकेट एक लगा दिया था, तो वो भी मैंने ली, चीनी पहले ही बहुत ज़्यादा आ गई हुई है और इतनी यूज़ भी नहीं होती, तो और क्या रह गया मेरा, हाँ मेरा बस वो बेसन, दालें वगैरह, ऑयल भी मेरा आ गया हुआ है। मैं हैंड वॉश उसके लिए पाउडर जो ड्राइंग रूम का वाशरूम है उसमें भी मैंने रखा हुआ है, किचन में मैं यूज़ करती हूँ, किचन का मेरा मैंने कैप्री लिया था तो वो मैं लेके आना भूल गई हूँ, क्योंकि एक मेरा वो मैंने न्यू लगाया है, लेकिन एक्स्ट्रा भी होना चाहिए,
है, वो तो मार्ट पास ही है, वो तो कभी भी चलते फिरते मैं ले आऊँगी। इसके अलावा मैंने ली थी आइसक्रीम्स बच्चों के लिए, तो अब तो हिको का मैं रखती हूँ, उसके अलावा मैं उनके लिए कॉर्नेटो क्या खाती हैं शौक से, पेडल पॉप खाती है मनाल, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती कलर वाली आइसक्रीम है। उसके अलावा मैगनम खाती है, वो मैंने ली है उनके लिए, वो मैंने फ्रिज में रखती हुई हैं। और टिश्यूज़ वगैरह भी, हाँ किचन रोल लेके आना भूल गई हूँ, टॉयलेट रोल का पैकेट पूरा मैं लेती हूँ, वो भी नहीं था, था या नहीं था एक्चुअली मैं तो नीमा ने काफ़ी हमें बिज़ी कर दिया था कुछ चीज़ें में, फिर कुछ गर्मी भी थी, उन्होंने एक ही में हमें वो लगाया हुआ था, चिलर नहीं था उनके यूज़, इतना चिल नहीं था उनका ना कल स्टोर पे, मुझे तो बहुत गर्मी लगी। जूस और कोल्ड ड्रिंक्स मेरी ऑलरेडी काफ़ी पड़ी हुई थी, तो इस वजह से मैं वो नहीं लेकर आई, क्योंकि वो काफ़ी वो मैं इकट्ठे ही लेकर आती हूँ, क्योंकि सडन तो गेस्ट आ जाते हैं तो फिर मैं वो जरूर घर में रखती हूँ, मेरे हस्बैंड भी वो जूसेस वगैरह पीते हैं, तो फिर उनके लिए भी मैं ना मैंगो जूस मेरा हर टाइम मोस्टली होता है। बस मुझे पाइनएप्पल नहीं मिला, और क्रीम का एक पैकेट फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो फिर मैं दो ही लेकर आई हूँ, क्योंकि इनकी डेट कम होती है, तो इस वजह से फिर मैं ये ज़्यादा नहीं लेकर आती, मैक्सिमम दो तीन ना ले आती हूँ। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी मेरा ग्रॉसरी की, जब बस इसमें मेरी दालें वगैरह रह गई हैं, अभी बारिश हो रही है बाहर, खाना मेरा बन गया, सिर्फ मेरे राइस बनने वाले हैं, और एक बज गया, मैं बर्तन भी वॉश वगैरह करके किचन बस मेरा क्लीन करने वाला है, उसके बाद फिर मैं चले इंशाल्लाह फिर मिलूंगी अगली किसी वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।